हेलो स्टूडेंट्स होप यू आर डूइंग वेल आई विल बी योर टीचर फॉर दिस लेक्चर सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी हैव टू स्टडी द टॉपिक दैट इज पॉलीमर्स एंड द सब टॉपिक इज कमर्शियल पॉलीमर्स तो हमें इस सेक्शन में कुछ कमर्शियल पॉलीमर्स के बारे में बात करनी है कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम कमर्शियल पॉलीमर्स के जिसमें से पर्टिकुलरली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं पॉलीविनाइल क्लोराइट इस सेक्शन में हम किसके बारे में बात करेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड तो देखिए अगर हम विनाइल क्लोराइड यहाँ पे ले तो ये क्या है मोनोमेरिक यूनिट है अस सी हियर ये क्या है एक हमारी यूनिट जो है विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड तो देखिए सबसे पहले हमें क्या फॉर्म करना पड़ेगा विनाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड कैसे फॉर्म होती है जब हम इथाइलिन की रिएक्शन कराएंगे थ ऑक्सीजन एंड वी हैव टू यूज हाइड्रोजन क्लोराइड तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहां पर क्या मिलेगा विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल ये क्या है हमारे पास विनाइल क्लोराइड तो देखिए इसमें ये डेफिनेटली ये विनाइल क्लोराइड की हमने बात क्यों करी है क्योंकि यहाँ पे विनाइल क्लोराइड हमारी क्या है मोनोमेरिक यूनिट सो लेटर्स राइट द मोनोमेरिक यूनिट ओवर विनाइल क्लोराइड यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है विनाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड हमने किससे प्रिपेयर किया है जब हमने इथाइलिन का रिएक्शन करवाया है ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन होगा किस टाइप का पॉलीमराइजेशन होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन

यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेटलिस्ट ही जाके अटैच होगा फिर वो फ्री रेडिकल है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बाय फ्री रेडिकल मैकेडिकल मैकेनिज्म तो हमारे पास क्या मिल जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड देखिए कैसे होगा ये यहाँ पे सेक्शन में हम बात करते हैं ये, ये हमारे पास क्या है विनाइल क्लोराइड दिस इज आर विनाइल क्लोराइड फुल यूनिट ठीक है अगर हम विनाइल क्लोराइड की बात करें यहाँ पे तो देखिए इसमें क्या है डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा सबसे पहले कोई भी ग्रुप आके अटैच हो जाएगा जो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा एक फ्री रेडिकल में अब ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा इसका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक तो ये जो फ्री रेडिकल है ये दूसरे यहाँ पे मॉलिक्यूल से क्या है बॉन्ड बनाने के कैपेबल है और इस तरीके से यहाँ पे चेन क्या होती है कंटिन्यू होती जाती है द चेन गेट्स कंटिन्यूड और इस तरीके से हमारे पास क्या फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या फॉर्म होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉली मतलब बहुत सारी विनाइल क्लोराइड के जो यूनिट्स है उन्होंने क्या फॉर्म किया है पॉलीविनाइल क्लोराइड अब हम यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड के कुछ यूजेस देख लेते हैं यूजेस तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कहाँ कहाँ हमारे काम आ सकता है मैन्युफैक्चर ऑफ रेन कोट्स रिमेम्बर दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर ऑफ रेन कोट्स क्या यूज करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड वाटर रेजिस्टेंट होगा ये रिएक्ट नहीं करता है और कुछ हैंड बैग्स बनाने के काम आ सकता है मैन्युफैक्चर ऑफ हैंड हैंडबैग्स हैंड बैग्स के अलावा हम इसको अगर आपने नाम सुना होगा विनाइल फ्लोरिंग का तो कुछ फ्लोर्स भी किसके बने होते हैं यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड के कुछ फ्लोरिंग्स और यहाँ पे किसले वाटर पाइप्स बनाने के भी ये काम आता है वाटर पाइप्स। तो ये थे पॉलीविनाइल क्लोराइड के यूजेस और इसका मैन्युफैक्चरिंग। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू